सोशल मीडिया में आजकल रील्स बनाने का एक अलग ही क्रेज देखा जा रहा है। रील्स के चक्कर में युवा ये नहीं देख रहे हैं कि वो रील्स कहां पर बना रहे हैं। इसी सिलसिले में एक मामला देहरादून से सामने आया। यहां पटेल नगर के अंतर्गत आने वाले शिमला बाईपास रोड पर सेंड ज्यूड चौक पर एक व्यक्ति सड़क के बीच चारपाई डालकर वीडियो बनाने लगा, जिससे यहाँ ट्रैफिक बाधित हो गया। सोशल मीडिया पर रील्स वायरल होने के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। रील्स के चक्कर में पुलिस ने बनाई रेल, अब पहुंचे जेल। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर यह प्रचलन हो गया है कि लाइक और शेयर के लिए आपत्तिजनक और कानून विरोधी वीडियो बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला, जिसमें सेंट ज्यूड चौक पर सुबह चारपाई लगाकर युवक लेट गया और रील्स बनाने लगा। ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड करने के बाद जनता ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया की टीम ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच की। उसके बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपी, एक का नाम है गौरव कश्यप तो दूसरे का अब्दुल शमी, इनके खिलाफ धारा 283/341 एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया है। टीम ने रविवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने शिमला बाईपास पर चारपाई डालकर एक वीडियो बनाई थी, जो कि मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, जिससे कि यातायात का उल्लंघन हुआ है और मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ आगे से, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह की यातायात नियमों का पालन करें और इस तरह का यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें। बहरहाल पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन ऐसे लोग जो रील्स के चक्कर में या कहें कि व्यूज लाइक के चक्कर में ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे उनकी जान को तो खतरा होता ही है, लेकिन दूसरों की जान भी मुश्किल में पड़ जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।